अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तासीर, वेलकम टू माई चैनल तासीर हंटिंग। तो आज मैं निकला हूँ टारगेट शूटिंग पे। तो कुछ टारगेट डिस्टेंस हैं, 10 मीटर है, 15 एंड 20 एंड 25 मीटर। तो ये चार डिस्टेंस हैं, इंशाल्लाह हम लाइटर पे शॉट लेंगे। सो हियर इज योर लाइटर, 6 mm की स्टील बॉल है मेरे पास, ये स्टील है ठीक है, और ये मेरी स्लिंग है लेजर वाली। तो चेक करते हैं फिर। लाइटर को शॉट ज़रूर लगा है, लेकिन ये लाइटर फटा नहीं है, क्योंकि ये लाइटर की एक साइड पे लगा शॉट, इसके गैस वाले हिस्से में नहीं लगा, इसलिए फटा नहीं है। लेकिन खैर, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे लगा शॉट, ये देखें 6 mm स्टील थी ये। चलिए अब नेक्स्ट टारगेट करते हैं, 15 मीटर करते हैं, डिस्टेंस बढ़ाते हैं और। लें जी, ये मैंने 15 यार्ड पर इससे अब टारगेट लेना है। ये हैवी लाइटर जो मैंने पहले शॉट में लगाया ठीक है, क्योंकि ये फूटा नहीं है, ब्लास्ट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे दोबारा लगा दिया। तो ये 6 mm स्टील, ये मेरी स्लिंग, अभी मैं इस पर इसको 15 यार्ड्स लेता हूँ। तो ये स्टेप काउंट कीजिएगा, मेरे 15 स्टेप होंगे इंशाल्लाह। ब्लास्ट फिर नहीं हुआ ठीक है, तो ये साइड पे लगा इसके 15 यार्ड से भी लग गया शॉट। तो अभी मैं जो है ना इसका डिस्टेंस और इंक्रीज़ करता हूँ, तो शायद ये 20 यार्ड से जाके ब्लास्ट हो जाए। पहले 10 यार्ड से ब्लास्ट नहीं हुआ, अभी 15 यार्ड से ब्लास्ट नहीं हुआ। अभी मैं इसको मज़ीद इसका जो है ना डिस्टेंस बढ़ाता हूँ, 20 यार्ड करता हूँ ठीक है। तो आप देखिएगा, एक शॉट मेरा मिस हुआ है 20 यार्ड से, तो फिर भी ये शॉट नहीं लगा, इसका ब्लास्ट नहीं हुआ इसको। ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये 6 mm स्टील है, तो ये ज़रा छोटी है स्टील, इसलिए ये ब्लास्ट नहीं हो रहा। इसको जो ना वो टच करके चला जाता है, इसको ब्लास्ट नहीं करता। तो अभी 10, 15 और 20 यार्ड से हो गए टारगेट। तो असल में इसको ब्लास्ट करने के लिए 6 mm से हमें ना 8 mm यूज़ करनी चाहिए, इसलिए जाके ये ब्लास्ट होगा। चलें अभी इनको ब्लास्ट करने की वीडियो बनाता हूँ। अब 10 यार्ड्स में तीनों को इंशाल्लाह ब्लास्ट करता हूँ। लें जी, अब मैं इन तीनों लाइटर्स को ना 10 यार्ड से शॉट लूँगा, ताकि ये ब्लास्ट हो जाएं। पहले ये ब्लास्ट नहीं हुए, तो कोशिश करता हूँ कि ये तीनों ब्लास्ट हो जाएं इस दफ़ा। तो मेरा ये 10 मेरे स्टेप काउंट कीजिएगा। ये 6 mm स्टील है, जो कि इंतहाई छोटी गोली है, इससे निशाना लगाना मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो आमतौर पर जो यूज़ होती है हंटिंग के लिए, वो 8 या 9 mm यूज़ होती है। तो ये बस मुझे इसका शौक चढ़ा होता है 6 mm का। ये छोटी होती है, क्योंकि ये छोटी होने की वजह से ये जब हम हंटिंग वगैरह पे निकलते हैं तो इसकी पेनिट्रेशन अच्छी होती है। जब पेनिट्रेशन होती है तो परिंदे को जो है ना शौक लगता है, शौक लगने की वजह से परिंदा जो जल्दी जो है ना वो हलाल हो जाता है, उसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। तो इस मेरा 6 mm को यूज़ करने की ये बेसिक वजह जो है ना वो यही है। तो अभी मैं इनको देता हूँ शॉट।
फाइनली तीन को हमने निशाना लगाया, तो अभी एक दो ब्लास्ट हो गए थे, अभी एक जो है ना वो बाकी रह गया है। तो मैंने भी आज ज़िद की हुई है कि मैंने तीनों को जो है ना ब्लास्ट करके छोड़ना है। तो अभी ये लगा रहे हैं, अभी लगाने के बाद चेक करते हैं ये ब्लास्ट होता कि नहीं होता, क्योंकि मैं भी आप लोगों का फजूल में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। खैर देखिए निशाना मेरा लग गया, चले मैं इसको 10 यार्ड से दोबारा टारगेट लेता हूँ। कव्वे इस जंगल में आए हुए हैं, जंगल में कव्वे कव्वे हुए पड़े हैं। ये आपको पता है कि शिकारियों के ये दुश्मन है पक्के। तो ये मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो है ना वो वीडियोस आ रही हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पे वीडियोस आ रही हैं स्लिंग शॉट की, ठीक है, कुछ एमिंग पे, ठीक है, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन है मुझे इस वीडियो में जो है ना वो बताएं आप, इस वीडियो के कमेंट्स में बताएं, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊँ ना तो आपके जो क्वेश्चन जितने होंगे उनके मैं तमाम की क्वेश्चन के आंसर्स जो है ना वो मैं दे सकूँ, ठीक है। तो आप कमेंट्स करें, तो ये वीडियो अगर आप पसंद आइए तो आपको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।